जब तक नहीं आती तब तक एक चिंता लगी रहती है, आएगी आएगी आएगी। हम सब इंतजार करते रहते हैं, टेंशन भी रहता है, बेचैनी भी रहती है, पर जब प्रेरणा आ जाती है, चढ़ने की भी चिंता रहती है, अंदर प्रवेश करने की भी चिंता रहती है, फिर सीट ढूंढने की भी चिंता रहती है, और जब सीट पर बैठ जाते हो और अपना सारा सामान सीट पर रख देते हो तो एकदम हल्के हो जाते हो कि अब कोई टेंशन नहीं। केवल सीट पर बैठे और तुम्हारी चिंता समाप्त। बोलो सत्य है कि गलत है? जब तक नहीं बैठे थे तब तक टेंशन में थे, और जैसे ही सीट पर बैठे चिंता समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब तक महादेव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाकर नहीं बैठोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन बैठ गए चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त हो गई। आप बस बैठे और आपकी चिंता समाप्त हो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा भी उड़ती जावंगी, बाबा दूर तू छड़ी ना मैं कटी जावंगी, बाबा मैं तेरी बदन शंभु मैं तेरी बदन। एक तो तुम्हारी खुशी इतनी ज्यादा है, और सब रटे रटाए बैठे हो, दूसरे के टेंट मत तोड़ देना, बस इतना सा निवेदन है तुमसे। बाबा की कृपा है, बैठो शिव के चरणों में जाकर, भगवान शंकर के चरणारविंद में जब हम जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के चरणों में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारी आधे से ज्यादा चिंता, हमारा टेंशन सब समाप्त हो जाता है, और टेंशन का मेंशन हो जाता है, शिव कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। हमें देव अधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना। हमें देव अधिदेव महादेव से कुछ नहीं मांगने का, हमें तो केवल देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठना है।